जिस तरह यहीं से शुरू करते हैं, अगर मैं इसको पॉजिटिव साइड से लेना शुरू करूं, यहां से ये आपका हो जाएगा, यहां से अगर मैं इसको लेना शुरू करूं, ये यहां से ये आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। जब मैं राइट हैंड साइड से लिख रहा हूं तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास कौन सी साइन लगी हुई है, पॉजिटिव लगी हुई है। मींस अब मैं अगर वन की तरफ इसको अप्रोच करवा रहा हूं, वाई की वैल्यू वन लाने के लिए, और जीरो की तरफ इसको अप्रोच करवा रहा हूं, हम एक्स जो है वो जीरो की तरफ लेके चल रहे हैं, तो मैं किस तरह पुट करूंगा, मैं यहां से वन से शुरू करूंगा, वन, ये वन पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.84। 0.84 किसका आया, मींस अगर आप एक्स की वैल्यू वन अप्रोच करवा रहे हो तो एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ये है आपका एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स कहां अप्रोच कर रहा है, 0.84। इसी तरह अगर मैं इसको इधर 0.5 पे एक्स की वैल्यू को अप्रोच करवाऊं, ये देखिए ये 0.5 है, इस फंक्शन के अंदर मैं जब 0.5 दोनों जगह पुट करके इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 0.95881 07 एंड सो ऑन। मींस अब मैं डिफरेंट वैल्यूज, जितना गेट क्लोजर टू जीरो, मैं जितना जीरो के करीब होता रहूंगा, मेरी वैल्यू बिकम्स क्लोजर टू वन। देखिए मैं 0.1 पुट करता हूँ, 0.99 आता है, 0.05 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 0.999, फिर 0.01, तो 4 times 9 आ जाएगा। जितना मैं वैल्यू कम से कम करता जाऊंगा यहाँ तक, मेरी वैल्यू उतनी ही क्लोजर टू किसके हो जाएगी, वन के। ये एंड में देख रहे हैं, ये एंड में किसके क्लोज हो जाएगी, ये वन के क्लोज हो रही है, हम वन पे अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वन आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्स गोज टू जीरो, वियर एफ ऑफ एक्स अप्रोच टू वन। इसी तरह ये कहां से है, हम ले रहे हैं इसको पॉजिटिव साइड से, यानी कि यहाँ से राइट हैंड साइड से। इसी तरह हम इसको, ये आपकी हो जाएगी, यहाँ पे लिख भी लेते हैं राइट हैंड साइड। इसी तरह हम यहाँ से अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने कुछ वैल्यू पुट करी, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने क्या पुट करा, -1, फिर वही -0.5, फिर -0.1, इस तरह पुट करते करते ये आपकी, ये राइट हैंड साइड थी तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड, ये बन जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर एक फंक्शन अप्रोच कर रहा है किसी तरफ, तो एफ ऑफ एक्स जो हमारा होगा वो कहाँ अप्रोच करेगा, ये हमने न्यूमेरिकल बिहेवियर चेक करके ग्राफिकली भी देखा है। अब आ जाए थोड़ा इसकी डेफिनेशन पे कि ये होता क्या है, लिमिट क्या होती है। आपके पास मान लिया कोई एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होगा, कोई से भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर, हमें उससे ये नहीं है कि वो, हमें ये देखना है कि वो फंक्शन है, वो एक ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है। अब जो सी यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे हमने उस फंक्शन को क्या करना होगा, चेक करना होगा। मींस अगर एफ ऑफ एक्स अप्रोच करेगा सी की तरफ, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, मतलब एक्स सी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स कहाँ अप्रोच करेगा, ये देखें स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है, अगर एक्स अप्रोच कर रहा है सी की तरफ तो वेयर एफ ऑफ एक्स अप्रोच, तो एफ ऑफ एक्स अप्रोच कहाँ करेगा, एल की तरफ, मींस लिमिट की तरफ। अब आ जाएं, दो टाइप की लिमिट होती हैं, जब मैं एफ ऑफ एक्स में से -L करूंगा तो वो क्या हो जाता है, वो और क्लोजर टू क्लोजर हो जाता है, मतलब आप जो लिमिट होती है हमारी जहाँ अप्रोच करवा रहे होते हैं सी की तरफ, वो और उसके क्लोज अप्रोच करवाते हैं, जो हमने ऊपर करके भी देखा था। जितना हम उस पॉइंट के, हमारा पॉइंट क्या था, फॉर एग्जाम्पल एक्स टेंस टू जीरो था, ऊपर आए, ये हो जाएगा अगर मैं इसको बोल दूं एक्स टेंस टू जीरो और ऊपर लगा दूं प्लस,
मतलब राइट हैंड साइड से लेता हुआ लिमिट आ रहा है, तो अगर वो राइट हैंड साइड से लिमिट लेता हुआ आ रहा है तो मेरा एफ ऑफ एक्स कहाँ अप्रोच करेगा, हमने तो ये चेक करना है। तो यही इसमें भी यही हो रहा है कि अगर x अप्रोच करेगा किसी पॉइंट की तरफ और ये पॉइंट 0, 1, 2 इस तरह से भी हो सकता है, तो आपका ये वाला फंक्शन जो है वो कहाँ अप्रोच करेगा, वो लिमिट की तरफ अप्रोच करेगा, ये इसकी डेफिनेशन है। अब लिमिट होती है दो टाइप की, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, जब आप कोई सी भी वैल्यू, बड़ी वैल्यू मींस आपके पास इस तरह का, ये यहां से माइनस प्लस इंफिनिटी है और यहां पे माइनस इंफिनिटी है, यहां पे कोई पॉइंट है फॉर एग्जांपल पॉइंट ए प्लस ले लें, इस तरफ माइनस का ए हो जाएगा। अब मैं जब ए की तरफ अगर अप्रोच करवाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी वैल्यू को लेता हुआ आएगा, ये बड़ी वैल्यू है ना इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे 100, यहाँ पे कुछ कुछ, मतलब आहिस्ता आहिस्ता करते 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 जब वो यहाँ पे किसी 1 या 2 तक अप्रोच करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो बड़ी वैल्यू को कम करता हुआ आएगा। ये बड़ी वैल्यू थी ना, बड़ी वैल्यू से कम करते करते पहुंचेगा कहां तक, 1 तक। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ आएगा, ये होती है आपकी राइट हैंड लिमिट। और ये होती है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड यहाँ पे लिमिट लिख लीजिएगा। अगर फंक्शन के अंदर हम अगर नेक्स्ट मूव ऑन, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम क्या करेंगे कि आपको लिमिट एग्जिस्ट करवाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, एक तो फंक्शन की, दूसरा राइट हैंड लिमिट, तीसरा लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों चीजें एग्जिस्ट कर जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। अगर ये तीनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब, कोई सी भी दो चीजें भी अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगर आप थोड़ा सा आगे देखें तो सम टाइम हम बहुत से ऐसे होंगे, हम उसको रिप्लेस करवाएंगे x को माइनस h से। जब भी हम फंक्शन को सॉल्व करवा रहे होंगे f ऑफ x, x टेंड्स टू a, मींस क्या होगा आपका, आप कहाँ से लेके चल रहे हैं, ये a का मतलब नेगेटिव नहीं है, a का मतलब ये होगा कि आप लिमिट कहाँ से लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, ये याद रखिएगा। x को हम रिप्लेस करवाएंगे कहाँ तक, a माइनस एच से फंक्शन के अंदर, इस तरह होगा। यानी कि आपकी a वैल्यू में से माइनस एच करवाएंगे तो वो वैल्यू किससे लेस होगी, x से लेस होगी। ये आपने कुछ फंक्शन जब हमारे से सेटिस्फाई नहीं होंगे लिमिट में तो हम वहां पे क्या पुट करेंगे, जहां पे आपके पास x की वैल्यू होगी वहां पे हमने क्या पुट करवाना होगा, a माइनस एच, ये नेगेटिव के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अगर राइट हैंड लिमिट के लिए देखें तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, a प्लस h कर देंगे, तो h टेंड्स टू 0 ही रहेगा क्योंकि हम दोनों तरफ 0 की तरफ आ रहे हैं, देखें a प्लस h। अब लिमिट एग्जिस्ट कर कब करेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट दोनों ही इक्वल हो जाएंगी, तो तब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मींस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट फाइनाइट नंबर कुछ वैल्यू आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट फाइनाइट नंबर, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों की फाइनाइट वैल्यू, मतलब कोई ना कोई नंबर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखें f of x, मेरे पास मैंने लिमिट लगाई
एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ए लेफ्ट हैंड साइड थी और ए राइट हैंड साइड थी, मेरे पास फाइनाइट वैल्यू दोनों ही सेम आई है, मींस लेफ्ट हैंड का भी 2 आया है, राइट हैंड का भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लिया, ये तो फाइनाइट वैल्यू के लिए, अगर हम समझ रहे हैं कि ये इनफाइनाइट, दोनों ही इनफाइनाइट आ जाए, क्या फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगी? यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट हमने कुछ पुट की छोटी वैल्यू से, और राइट हैंड साइड एक लिमिट पुट की, हमने देखा दोनों ही इंफिनिटी आ रही है, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? लिमिट के लिए फाइनाइट वैल्यू बिल्कुल नहीं करेगा। एक्सीलेंट, समझ गए आप लोग, एक्सीलेंट। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने कहा था कि लिमिट के लिए फाइनाइट नंबर, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो तब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, नॉट इनफाइनाइट। अब हम इसको ग्राफिकली भी देखेंगे कि ग्राफिकली हम इसको किस तरह चेक कर सकते हैं लिमिट के लिए। पहले तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर यही लिमिट है x tends to a minus f of x limit x tends to a plus f of x समथिंग, मैंने किया, मेरे पास दोनों की वैल्यू 3 आ गई। एक मैंने एग्जाम्पल लिए, सॉल्व करने के बाद मेरे पास दोनों का आंसर क्या आया, 3। क्या अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? बिल्कुल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की भी लिमिट 3 आई जाएगी, राइट हैंड साइड की भी लिमिट 3 आएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर जगह होती तो हम थोड़ा सा ग्राफिकली डिस्कस करते, चलो वो आगे करेंगे ग्राफिकली डिस्कस। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हमने ग्राफिकली भी बताना है और न्यूमेरिकली। अभी हमने लिमिट के बारे में तो बताना है, लेकिन कहाँ कहाँ बताना है, ग्राफिकली भी बताना है और न्यूमेरिकली दोनों चीजें बतानी है। मतलब अगर x जो है, ये बात याद रखिएगा, ये x की वैल्यू नहीं है, ये x अप्रोच कर रहा है 9 की तरफ, तो वेयर f ऑफ x गोज, तो वो कहाँ जाएगा? हम इसके लिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेक करते हैं और ग्राफिकली। ये इसका ग्राफ है, अगर ग्राफ में देखें तो इसमें मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पुट कर रहा हूँ 0, ये पुट करेंगे हम इसमें 0 f ऑफ x जीरो माइनस 9, x का भी 0 माइनस 3। तो जब मैंने 0 पुट किया तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 3। इट्स मीन्स दैट कि मेरा ग्राफ कहां से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा। फिर अगर आप 1 पुट करें, नेगेटिव तो आप पुट ही नहीं कर सकते ना, याद है ना, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव डिनोमिनेटर है ना, एक डिनोमिनेटर, और इसके अलावा आपने साथ में ये देखना है कि रूट कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो आपका वही डोमेन और रेंज का वही आ जाएगा, तो इसके लिए ये बात याद रखिएगा, आपने नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करनी, आपने 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह वैल्यू लेके चलना होगा। इसी तरह मैं 2 लेके चलूंगा, अब 1 लें, फिर उसके बाद 2 लें, फिर 3 लें, फिर 4 लें, फिर 5 लें। देखें जब 9 आएगा, ये 9 और नीचे भी 9 पे, ये देखें फंक्शन पे हमारा क्या आ रहा है, जब मैंने इसको सॉल्व किया, ऊपर सॉल्व किया हुआ भी बताऊंगा, कि ऊपर सॉल्व करके भी बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे लिमिट जब 9 को अप्रोच करेगी तो जो आपका आउटकम्स है, मतलब जो लिमिट है, जो f ऑफ x है, वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वो अभी करके भी देखेंगे।
अब ये यहाँ से जब नीचे से यहाँ से जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो इसको अप्रोच करवा रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से करवा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। वो कहाँ से अप्रोच कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड है तो कहाँ से अप्रोच कर रहा है? न्यूमेरिकली कहाँ तक अप्रोच कर रहा है? हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से करवा रहे हैं, ग्राफिकली आपको दिखा रहा हूं। और अगर ऊपर से लें तो ऊपर से हमारी वैल्यू कहां तक आ रही है? राइट हैंड साइड से आ रही है। अब ये देखें, अगर मैं इसके अंदर 8.9 पुट करता हूं, 9 के क्लोजर क्लोजर पुट कर रहा हूं, अगर ना भी हो 8.9 पुट करो तो 5.9 समथिंग, मतलब ये क्लोज हो रहा है किसके? इसके 6 के। यहाँ पे हमारी वैल्यू 6 है ना, जब 9 पुट किया तो 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 है हमारे पास। इसी तरह 8.99 पुट करेंगे तो 5.99, 8.9। अगर हम इस तरह की वैल्यू जितना हम क्लोज होते जाएंगे किसके, एक्स की वैल्यू 9 के अब क्लोज होते जाएंगे, उतनी ही मेरी वैल्यू गेट क्लोजर टू 6। मेरा जो आउटकम्स है एफ ऑफ एक्स का वो क्या आ जाएगा? 6 के बिल्कुल ऑलमोस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? मोर क्लोजर टू क्लोजर। इसी तरह अगर हम ऊपर से वैल्यू पुट करें, 9.1, 9.01, 9.001, 9.0001, तो वो क्या करेगा? 6 से अबव जाएगा। अगर आपको ये नजर आ रहा है, 6 पॉइंट अप्रोच तो कर रहा है लेकिन 6 से ज्यादा। तो अगर इसको 6 से सॉल्व करना है मुझे, इसको आपने ये पढ़ा भी होगा के डिवीजन में फ्रैक्शन में कभी भी रूट नहीं होता, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको वैनिश करने के लिए हम क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय किससे? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, और नीचे भी एक्स प्लस थ्री। ये आप सॉल्व करें साथ साथ, सॉल्व करके आंसर देखें, आपका 6 आ रहा है। ये सॉल्व करके देखें, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स माइनस नाइन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? अंडर रूट एक्स प्लस थ्री। देन आप लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंड्स टू नाइन, मतलब एक्स जब अप्रोच कर रहा है 9 की तरफ तो वेयर एफ ऑफ एक्स गोज, एफ ऑफ एक्स गोज टू 6। आंसर 6 आ रहा है किसी का? गुड, एक्सीलेंट। अब ग्राफ से भी आप देख पा रहे हैं कि अब जब हमारे पास 9 था तो उस वक्त आपका जो लिमिट थी वो कहाँ अप्रोच कर रही थी? 6 की तरफ। अच्छा, जब हम लिमिट करेंगे ना, ये याद रखिएगा, लिमिट के लिए ये जो आपके सामने इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए 0.0। अगर मैं ऊपर ऊपर का भी आपको दिखाऊं तो आपके पास जब हम अंडर रूट 9 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे भी 9 पुट करो, यहाँ पे भी 9 पुट करो, तो आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है? जीरो, जो लिमिट में एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारे को जीरो नहीं चाहिए। सही है। अब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, जीरो इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस, ये कि जितनी भी फॉर्म है हमारे पास लिमिट के अंदर, ये नहीं आनी चाहिए। जब ये आ जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि हम इसको अनडिफाइन फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मींस अनडिफाइन, ऐसी वैल्यू जो आप डिफाइन ही ना कर सको, तो उसके लिए फिर हमने कुछ प्रोसीजर यूज करना होता है उस लिमिट को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप चेक करेंगे डायरेक्ट फंक्शन पुट करके, देखें मेरे पास एक वैल्यू है एक्स प्लस टू, ये सिंपल सा पहले बता देता हूँ, ये फंक्शन है, इसकी लिमिट तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अभी आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं निकालेंगे, अभी जस्ट लिमिट पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। जब लिमिट आएगी वो पीस वाइज फंक्शन में आती है, वो दूसरे फंक्शन में आती है, ये बात याद रखिएगा।
जब आपके पास न्यूमेरिकली का बोला जाएगा कि आपने इसको न्यूमेरिकली और ग्राफिकली बताना है, साथ में टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपने उस वैल्यू के लिए, मैं आपको दोबारा, आई रिपीट स्टूडेंट, मैं फिर आपको दोबारा इस बात से क्लियर कर दूं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कब लगानी है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन होगा, साथ में आपके पास ऑलरेडी एक टेबल आ जाएगा, उस टेबल की डिफरेंट वैल्यू पुट करके आपने एफ ऑफ एक्स दोनों का यहाँ पे और यहाँ पे आंसर लाना होगा, और साथ में ग्राफ भी बनाना होगा उसका, किसका, उस लिमिट का, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, ग्राफिकली और न्यूमेरिकली लिखा हुआ आएगा, तब आपने ये करना है। अच्छा, ये हमने एक क्वेश्चन कर रहे थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ये तो सिंपल है, ये तो आप सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसमें ऊपर वाली कोई सी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, कोई सी भी ऊपर वाली, जीरो, इन्फिनिटी, जीरो टेंस टू, बन रही है? नहीं बन रही ना, तो हम इजीली इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इसमें होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत से बच्चों का भाई। अब अगर मैं यही क्वेश्चन बना दूं कुछ इस तरह के, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू टू, ये टू है, अच्छा एक्स टेंस टू टू है, और एक्स प्लस, सॉरी एक्स माइनस टू कीजिएगा इसको, एक्स माइनस टू। देखें, क्या ये पुट करने से आपके पास फंक्शन क्या आएगा, वही दोबारा कौन सी फॉर्म बन जाएंगी, 0.0 हो जाएगा। जब 0 × 0 हो जाएगा तो आपका मतलब ये है कि ये अनडिफाइंड लिमिट की बन जाएगी, जो हमें तो चाहिए नहीं। हमें तो ये चाहिए होता है कि हम भाई जब लिमिट एक्स अप्रोच करें टू की तरफ तो हमारा फंक्शन तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, नॉट अनडिफाइंड आना चाहिए। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, जो प्रोसीजर है, फैक्टराइज करवाएं, फॉर्मूला यूज करें, रैशनलाइज करवाएं, कॉन्जुगेट, समथिंग जो भी आप कर सकते। तो इसके अंदर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, जो सिंपल है, आप कर भी सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, जो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एक्स टेंस टू टू। अब आप लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इट्स मीन दैट कि जब आपके पास एक फंक्शन अप्रोच करेगा, जब एक्स की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करेगी, तो आपका एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन जो होगा वो कहाँ अप्रोच करेगा, 4 की तरफ अप्रोच करेगा। अच्छा, ये फिर उसके स्टेप आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप उसको कैसे चेक करेंगे। आपने पहले उसको सिंपल देखना है, लिमिट जो भी वट एवर आपके पास है, सबसे पहले आपने उसके लिए चेक करना है, जो भी वैल्यू होगी उसको प्लग इन करें, आप अपना उस पे वर्क करें। अगर 0.0 इस तरह की कोई वैल्यू आ जाती है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 0 × इंफिनिटी, ये सारी वैल्यू इस तरह की आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोसीजर नंबर 3 की तरफ जाएं, मल्टीप्लीकेशन करें, जिसे हम क्या कहते हैं, रैशनलाइज कहते हैं, या फैक्टराइज, ये सारी चीजें करके आप देखें, और उसके बाद आप उसके अंदर अप्रोच करवाएं, अप्लाइंग लिमिट करें, देन यू विल गेट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ एफ
एफ ऑफ एक्स अप्रोच टूवर्ड्स कहाँ पे एक्स एफ ऑफ किसी समथिंग जो आपके पास लिमिट आएगी। अच्छा उसके बाद अगर ग्राफ पॉसिबल हो लिखा हुआ होगा तो बनाएंगे आप लोग ग्राफ, अगर नहीं है तो आप लोग नहीं बनाएंगे, ग्राफ पे भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा अब आ जाएं, ये देखें ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें आप लेफ्ट और राइट दोनों से चेक करेंगे। आप बताएं कैसे हमें पता चलेगा, पता इस तरह चलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट के साथ क्या आता है नेगेटिव आता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि आपकी ये लाइन है आपके पास ये री लाइन ये रहा जीरो, हमने जीरो से अप्रोच लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, उन्होंने क्या बताया लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एक्स टेंड्स टू जीरो, ये कर रही है एक्स टेंड्स टू जीरो। तो अब जीरो के इस तरफ हम क्या, हमने क्या बोला था कि वो छोटी वैल्यू को लेता हुआ आएगा जीरो की तरफ, और अगर एब्सोल्यूट के अंदर है ना तो वो एक वैल्यू और होगी प्लस एब्सोल्यूट, क्योंकि दो वैल्यू देता है एक नेगेटिव देता है एक पॉजिटिव देता है। पहले एक की तरफ देखते हैं x अपॉन एब्सोल्यूट x, x ओवर माइनस x, तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, आपका आंसर क्या आएगा माइनस वन। मींस जब आपने f ऑफ जीरो पुट करा तो आपके पास आंसर क्या आएगा माइनस वन आएगा, क्योंकि वो कैंसिल तो हो गया लेकिन आपने शो तो करवाना है कि f ऑफ जीरो पे हमारी वैल्यू ये आएगी। तो इसी तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट तो हमने ले ली, लिखा भी हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड की ये लिमिट है, क्योंकि हम किस तरफ अप्रोच कर रहे हैं ये इसको मेंशन भी कर देते हैं, हम अप्रोच कर रहे हैं जीरो की तरफ, क्योंकि हम यहाँ से चल रहे हैं ना नेगेटिव है, नेगेटिव है क्योंकि एब्सोल्यूट की जो होती है वो किसके इक्वल होती है एक्स लेस देन जीरो, मीन एक्स की जितनी वैल्यू होंगी वो सारी लेस देन जीरो होंगी। अब दूसरा है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के लिए वन से ये वन क्या हो जाएगा कैंसिल, ये राइट हैंड लिमिट बता रहा हूँ, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है। अब आपने एक बात तो देख ली कि जब भी आपका कोई एब्सोल्यूट फंक्शन आएगा उसके अंदर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट अप्लाई करके चेक करना होगा क्या ये दोनों लिमिट अगर एग्जिस्ट कर दी तो आप बोलेंगे पॉसिबल है, अगर नहीं करेंगी तो बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं इसका दूसरा भी लिखवाता हूँ, ये राइट हैंड लिमिट अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ तो ये कैंसिल होके ये क्या दे रहा है माइनस वन, मीन्स जब ये जीरो पे था, अगर हम इसको ग्राफ से थोड़ा सा देखें वेरी गुड, बहुत से बच्चों को अभी से ही पता चल गया एक्सीलेंट कि नॉट इक्वल है वेरी गुड। तो मैं थोड़ा सा इसको और बना लेता हूं अच्छा करके, जीरो पे माइनस वन, ये जीरो जीरो आपका यहाँ आ गया माइनस वन यहाँ पे आ गया ये रहा माइनस वन, तो आपका ग्राफ किस तरफ बनेगा इस तरफ, जीरो है जीरो पे प्लस वन तो प्लस वन कहां बनेगा इस तरफ बनेगा, ये आपका इसका एब्सोल्यूट का ग्राफ हो गया। अब आपने इसको लिखना कैसे है, हमने इसकी कंक्लूजन मतलब रिजल्ट की तरफ कैसे जाएंगे, ये तो ग्राफ भी बन गया, रिजल्ट की तरफ कुछ यूं जाएंगे, देखें एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव दे बोथ आर इक्वल आर नॉट, ये देखें ये दे रहा है माइनस वन और ये दे रहा है प्लस वन, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं किसी सूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या यह लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एब्सोल्यूट फंक्शन का, ये तो आपने एक बात और भी सीख ली एब्सोल्यूट फंक्शन की अगर लिमिट देखें तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो रही तो आप लिखेंगे डी एन ई मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हमने चेक करके देख लिया। एक बात और क्या इसमें इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट तो नहीं आ रहा ना, फाइनाइट आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है लेकिन उसमें बी इक्वल होना चाहिए, फाइनाइट नंबर तो आ रहा है, लिमिट की हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, नहीं है भाई,
दूसरा फाइनाइट नंबर होना चाहिए, फाइनाइट तो है लेकिन वो इक्वल भी तो होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी लिमिट है। नेक्स्ट क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, उसका इंटरवल निकालना देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव से हम इंटरवल इसका कैसे निकालते हैं।